विदिशा जिले के पठारी ग्राम जरतोली में 9 जनवरी से 15 जनवरी तक चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन आज बुधवार को कथावाचक पंडित संदीप कृष्ण शास्त्री द्वारा सुखदेव जन्म परीक्षित श्राप और अमर कथा का वर्णन किया। बताया कि महाराज जी के कहने पर पार्वती जी ने भगवान से पूछा कि उनके गले में जो मुंड माला है वह किसकी है। कथा व्यास ने बताया कि भगवान की कथा विचार वेग ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित के कारण भगवान कथा पृथ्वी के लोगों पुण्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा व्यास ने कहा कि मनुष्य से गलती हो जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसे होने पर समय रहते हुए सुधार और प्रायश्चित जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो गलती पाप की श्रेणी में आ जाता है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। कथा सुनने का अवसर तभी प्राप्त होता है। यह मनुष्य का शरीर 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरज ते अति अदम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरज ते अति अदम शरीरा। क्षिति क्षिति कहते हैं धरती को, जल पावक कहते हैं अग्नि को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।